नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक एक नई वीडियो में। मैं आपको दो स्टॉक बताऊंगा जिनमें आपको कल यानी वेडनेसडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो में आप बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मैं उसमें कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूँ जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश स्केलेबल होते हैं, कोई फ्यूचर स्केलेबल नहीं होता। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूँ, मेरे में आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। चलिए देखते हैं मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो दो स्टॉक दिए थे इस ट्यूजडे के लिए उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों मैंने आपको पहला कॉल दिया था SRT का, देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बताया था अगर ये 603 के नीचे जाएगा तो उसको फेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा डे का लो रहा 605, इसने 603 को कहीं भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर हमारी सेल कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। अगर बात करूँ बाई साइड की, मैंने आपको बाई दिया था 615 के ऊपर, तो ये 915 की पहली कैंडल इसने गैप अप ओपन किया, इसने ओपन किया 643 पर। तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद इतना गैप अप ओपन हुआ कि इसने हमारे सारे टारगेट से भी स्टॉक गैप अप ओपन हो, तो इसलिए हमारी इसमें बाई कॉल और सेल कॉल कोई भी एक्टिवेट नहीं हुई। जो हमारा दूसरा स्टॉक था, चलिए उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा स्टॉक था नौकरी का, देखिए नौकरी को मैंने आपको बताया था अगर ये 2160 के ऊपर जाएगा तो इसको हम बाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ओपन किया 2162 पर, इसने हाई लगाया 2167 का, 5 पॉइंट स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ये इतना काफ़ी फास्ट मूवमेंट हुआ। अगर आपने इसमें एंट्री की होगी तो निश्चित ही आपको लॉस का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी फास्ट ऊपर गया और नीचे आ गया, लेकिन एक पहले ही मिनट की कैंडल में इसने इतना तेज़ी से मूवमेंट दिखाया कि एंट्री उसमें पॉसिबल नहीं थी। और अगर बात करें सेल साइड की, तो सेल साइड में आपको आराम से एंट्री मिली, मैंने आपको सेल दिया था 2135 के नीचे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी कैंडल में यहाँ पर हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हो गई। उसके बाद स्टॉक लगातार गिरावट के ट्रेंड में रहा, इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 2125, 2112, अंतिम टारगेट था 2105, तीनों ही टारगेट इसने हमारे पहले कैंडल में हिट कर दिया, इसने लो लगाया 2068 का, और उसके बाद भी स्टॉक लगातार गिरता रहा, यहाँ पर इसने लो लगाया 2025 का। तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से प्लस का भी प्रॉफिट इसमें हमें देखने को मिला। तो अगर आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको निश्चित ही एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला होगा। चलिए देखते हैं जो दो स्टॉक हमारे कल वेडनेसडे के लिए वो कौन से हैं। दोस्तों हमारा पहला स्टॉक है हिंद यूनिलीवर का, देखिए हिंद यूनिलीवर सिर्फ इसने अपनी पहली कैंडल में एक बेरिश कैंडल बनाई, उसके बाद स्टॉक लगातार अपट्रेंड में रहा, स्टॉक एक चैनल में है, तो अगर अपने चैनल से बाहर निकलता है तो इसको हम बाई करेंगे 2310 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2300 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2320, सेकंड टारगेट 2330, अंतिम टारगेट रहेगा 2340 का। अगर हिंदू ने लीवर नीचे को निकलेगा तो उसको हम सेल करेंगे 2290 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2300 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2280, सेकंड टारगेट 2270, अंतिम टारगेट रहेगा 2260 का। मैं आपको एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के ये मन में सवाल आता है कि स्टॉक के जो प्राइस बड़े होते हैं तो उनमें आपको ट्रेड करने में दिक्कत हो सकती है, लाइक अगर कोई स्टॉक का प्राइस 500 होता तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने को मिलता। तो मैं आपको बता दूँ अगर स्टॉक का प्राइस कम होगा तो उसमें आपको टारगेट भी छोटे मिलेंगे, इसमें अगर स्टॉक का प्राइस बड़ा है तो आपको टारगेट भी उसी हिसाब से बड़े मिलते हैं। तो अगर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे लेकिन आपको टारगेट बड़े मिल रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो सेम हो जाता है। तो आप इसको माइंड में निकाल दें कि अगर स्टॉक छोटा रहेगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस चीज़ को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की कॉल्स मिलते रहे, आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता रहे, तो उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चाहिए, जहाँ पर आपको आप स्टॉक का और एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन कर लीजिए तो आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, जब आप मेरे लिंक के थ्रू नया अकाउंट ओपन करेंगे तो ही आप इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे। हमारा आज का अंतिम स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टी का, गोदरेज प्रॉपर्टी स्टॉक एक रेंज में है, स्टॉक इसने जिस पहली कैंडल पर ओपन किया उसको वही उसका डे हाई और डे लो रहा, उसके बाद स्टॉक कहीं भी उसके बाहर नहीं निकला। तो अगर जैसे ही रेंज से बाहर निकलता है तो इसको हम बाई करेंगे 605 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 598 का, हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 611, सेकंड टारगेट 617, अंतिम टारगेट रहेगा 623 का। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी नीचे को निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे 597 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 604 का, हमारा फर्स्ट टारगेट को 591, सेकंड टारगेट 585, अंतिम टारगेट रहेगा 579 का। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।